एक फरवरी को पेश हुए आम बजट के बाद मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले हर बजट में गरीबों का हित केंद्र में रहा है। संसदीय दल की बैठक में पहुंचने पर तमाम नेताओं ने उनके लिए तालियां बजाई। लोक लुभावन बजट पेश करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी को माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। मोदी ने आगे कहा कि कोई भी इसे चुनावी बजट नहीं कह रहा है, हालांकि ये अगले लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट था। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के साथी सांसदों को संबोधित करते हुए मुश्किल समय में बजट लाने के लिए अपनी सरकार के प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। उन्होंने सभी सांसदों से बजट को लोगों तक ले जाने के लिए भी कहा। बीते महीने हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की बात कही थी। सोमवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा, अगर मतदाताओं तक पहुंचे तो कोई भी सत्ता विरोधी लहर नहीं है। उन्होंने कहा, पार्टी के सांसदों को अपने क्षेत्रों में जाना चाहिए और जनता से जुड़े रहना चाहिए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भले ही अगले लोकसभा चुनाव से पहले का बजट हो, लेकिन किसी में भी इसे चुनावी बजट कहने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा, गरीब और हाशिए पर मौजूद लोगों का बजट में ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से क्षेत्रों में जाकर इस बारे में जानने के लिए कहा है कि उन्हें बजट से क्या मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में 400 दिन शेष रहने का जिक्र किया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हमारे पास 400 दिन है और हमें लोगों की सेवा के लिए सब कुछ करना है, हमें इतिहास बनाना होगा। बता दें, बीते साल दिसंबर में ही बीजेपी ने मुश्किल मानी जाने वाली सीटों की संख्या में इजाफा किया था। पहले पार्टी ने 144 सीटें तय की थी, लेकिन बाद में इन्हें बढ़ाकर 160 कर दिया गया था। इनमें बड़ी संख्या में सीटें बिहार से थी। खास बात यह है कि बीजेपी ने इसी तरह की लिस्ट 2019 चुनाव से पहले भी बनाई थी और उनमें बड़ी संख्या में जीत हासिल की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।